बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम साल के आखिरी चार महीनों की बात करेंगे कि आखिरी चार महीनों में कौन से ऐसे बुरूज हैं। जो बुरूज इन चार महीनों में खुशकिस्मत रहेंगे, पैसा मिलेगा, इज्जत मिलेगी। तो इस लिस्ट में पहले नंबर पर जो जोडियक साइन है वो है जेमिनी, बुर्ज जौसा। जेमिनी, साल 2022 के आखिरी चार महीने आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकते हैं, क्योंकि इन चार महीनों में आपके रूलिंग प्लेनेट मरकरी और जुपिटर की पोजीशंस बहुत बेहतर रहेंगी। जो लोग शादीशुदा हैं उनकी अज़दवाजी जिंदगी बहुत अच्छी रहेगी, और वो तमाम जेमिनी जो सिंगल हैं, रिश्ते की तलाश में हैं, इन चार महीनों में उनका रिश्ता तय हो सकता है। जो लोग कारोबार कर रहे हैं वो अपने कारोबार को एक्सपेंड कर सकेंगे, अपने कारोबार में तौसी कर सकेंगे, फैला सकेंगे। और वो तमाम जेमिनी जो जॉब स्विच करना चाहते हैं उनके लिए भी ये वक्त काफ़ी बेहतर रहेगा। आपको अपनी मर्जी और पसंद का एक बेहतर रोज़गार भी मिल सकता है, और स्टूडेंट्स के लिए भी ये वक्त काफ़ी अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स इस वक्त फोकस्ड रहेंगे, स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर हो जाएगी। हाँ, मगर अक्टूबर और नवंबर के महीनों में आप लोगों को अपनी एजुकेशन में कुछ मुश्किलात आ सकती हैं, और ये मुश्किलात ख़ास तौर पर उन बच्चों के लिए होंगी जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं। लेकिन वो तमाम जेमिनी जो हायर एजुकेशन ले रहे हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, उनके लिए मामलात काफ़ी बेहतर रहेंगे। और इन चार महीनों में आप लोग काफ़ी रोमांटिक भी रहेंगे, आप लोग काफ़ी अट्रैक्टिव रहेंगे, दूसरे लोग आपको पसंद करेंगे, आपके साथ ताल्लुक बनाना चाहेंगे, आपके साथ दोस्ती करना चाहेंगे। और अगले चार महीनों में आपका अपने बच्चों के साथ ताल्लुक बहुत अच्छा रहेगा। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो इन चार महीनों में आपकी डेवलपमेंट का ग्राफ हमेशा ऊपर ही जाएगा, आप लोग बेहतरी की तरफ जाएंगे। हाँ, बीच में कुछ हल्के फुल्के अप्स एंड डाउन भी आएंगे, और उन अप्स एंड डाउन के बारे में आपको वीकली और मंथली वीडियोस में बताते रहेंगे, लेकिन ओवरऑल आप लोगों के लिए ये चार महीने बहुत बेहतर महीने रहेंगे। तो खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। और इस लिस्ट में जो दूसरा जोडियक साइन है वो है लिब्रा, बुर्ज मीज़ान। मीज़ानी लोगों के लिए भी साल 2022 के आखिरी चार महीने बहुत अच्छे महीने रहेंगे। इन चार महीनों में काम की जगह पर आपकी इज्जत की जाएगी, आपके कामों को सराहा जाएगा, आपको अपने कामों की वजह से एक नई पहचान मिल सकती है, अपने काम की वजह से आपको इज्जत मिलेगी, वकार मिलेगा, आप लोग पैसा भी बहुत कमा सकेंगे, गाड़ियां खरीद सकते हैं, कुछ प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, और ओवरऑल आपका कारोबार भी अच्छा रहेगा, प्रॉफिटेबल कारोबार रहेगा। और वो तमाम लिब्रा लोग जो पॉलिटिक्स में हैं, तो सियासी लिब्रास को इस वक्त कोई बड़ा ओहदा मिल सकता है, आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। वैसे पैसा कमाने के हवाले से ये वक्त काफ़ी बेहतर रहेगा, पैसा कमाने के लिए आपको नई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, तो इन अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करना चाहिए, क्योंकि इस वक्त आप कामयाबी के किनारे पर खड़े हैं, तो इस वक्त आपने हार नहीं माननी। तो आपको जो भी नई अपॉर्चुनिटी मिलती है उस अपॉर्चुनिटी से लाजमी फ़ायदा उठाने की कोशिश कीजिएगा। और इन चार महीनों में कुछ लिब्रास के लिए यूँ भी हो सकता है कि वो जॉब छोड़ के कोई बिजनेस शुरू कर दें, या अगर पहले बिजनेस कर रहे थे तो बिजनेस छोड़ के जॉब शुरू कर दें, तो आप अपने करियर को भी स्विच कर सकते हैं। और जो लोग शादीशुदा हैं उन्हें अपने मामलात को बड़े मोहतात अंदाज के साथ आगे लेकर बढ़ना चाहिए, क्योंकि आप लोग किसी हद तक जज्बाती भी रहेंगे, छोटी छोटी बातों को ज्यादा महसूस कर सकते हैं। तो आप लोगों ने अपने रिश्तों के मामलात में समझदारी से, बुर्दबारी से मामलात को लेकर चलना है, अपने जज्बात को आपने काबू में रखना है। और अगले चार महीनों में आपके बच्चों की परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर रहेगी, आपके बच्चों की स्कूल में कारकर्दगी बहुत अच्छी रहेगी, शानदार कारकर्दगी रहेगी, आप अपने बच्चों पर फख्र करते रहेंगे। इन चार महीनों में आपके बच्चे कुछ नया करने की कोशिश करेंगे, आप अपने बच्चों की परफॉर्मेंस देकर खुद भी हैरान परेशान होते रहेंगे,
तो जहां आपके बच्चों की परफॉर्मेंस काफी बेहतर रहेगी, वहीं आपको अपने बच्चों की सेहत का भी ख्याल रखना होगा, क्योंकि इन 4 महीनों में आपके बच्चे की सेहत खराब हो सकती है। तो लिब्रास ओवरऑल ये 4 महीने आप लोगों के लिए बहुत बेहतर महीने रहेंगे, लेकिन बीच में कुछ अप्स एंड डाउन भी आएंगे, लेकिन ऑन एन एवरेज देखें तो ओवरऑल ये वक्त आप लोगों के लिए काफी बेहतर रहेगा, पिछले साल की निस्बत ज्यादा अच्छा वक्त रहेगा। तो खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए, जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। इस लिस्ट में जो अगला जोडियक साइन है वो है स्कॉर्पियो, बुर्ज अकरब। स्कॉर्पियंस इन 4 महीनों में मरकरी और जुपिटर की पोजीशन काफी बेहतर रहेगी, तो इस अच्छी पोजीशन की वजह से आपकी माली हालत भी काफी बेहतर हो जाएगी। इन 4 महीनों में आप जिस भी काम में हाथ डालेंगे आपको इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। तो अब आपने प्लान बना लेना है, कुछ नया करने की कोशिश कीजिए, कुछ बेहतर करने की कोशिश कीजिए, आपको इंशाल्लाह कामयाबियां मिलेंगी। और इसके साथ साथ आपकी अज़दवाजी जिंदगी भी अच्छी रहेगी। हाँ, अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, कोई नई जॉब, कोई नया बिजनेस, कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं, तो ये वक्त बहुत अच्छा है। और कुछ स्कॉर्पियंस के लिए यूं भी हो सकता है कि आप जॉब स्विच कर लें, कुछ ऐसे हालात बन जाएं कि आपको जॉब बदलना पड़ जाए, तो जॉब की जगह पर कुछ तब्दीली भी हो सकती है। और अच्छी बात यह है कि इन 4 महीनों में आपको अचानक से कहीं से कोई माली फायदा भी हो सकता है। इन 4 महीनों में आपकी डूबी हुई फंसी हुई रकम भी आपको मिल सकती है। और इसके अलावा जो लोग मोहब्बत के रिश्तों में हैं उनके लिए ये वक्त बहुत बेहतर रहेगा, आपका अपने पार्टनर के साथ ताल्लुक बहुत अच्छा रहेगा। अगर पिछले दिनों में आपका अपने बिलव्ड के साथ किसी बात पर इख्तलाफ रहा है, तो इन 4 महीनों में अगर आप कोशिश करेंगे तो वो इख्तलाफ भी खत्म हो जाएगा, आप दोनों में कुर्बत आ जाएगी, मोहब्बत बढ़ जाएगी। और बिल्कुल इसी तरह वो तमाम शादीशुदा स्कॉर्पियंस जिनके लिए साल का फर्स्ट हाफ थोड़ा परेशान रहा है, साल के पहले 6 महीनों में जिनकी अज़दवाजी जिंदगी अच्छी नहीं रही है, तो उनकी अज़दवाजी जिंदगी भी अगले 4 महीनों में इंशाल्लाह बहुत बेहतर हो जाएगी। मियां बीवी में ज्यादा कुर्बत आ जाएगी, एक दूसरे के ज्यादा करीब आ जाएंगे। और वो तमाम स्कॉर्पियंस जो औलाद के इंतजार में हैं, उन्हें औलाद की खुशखबरी मिल सकती है। लेकिन इन 4 महीनों में आपके बच्चों का रवैया थोड़ा तल्ख हो सकता है, आपको अपने बच्चों की तरफ से थोड़ी परेशानी रह सकती है। तो इन 4 महीनों में कुछ अप्स एंड डाउन भी आएंगे, लेकिन ओवरऑल ये वक्त आप लोगों के लिए बहुत अच्छा, बहुत बेहतर वक्त रहेगा। तो खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए, जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। इस लिस्ट में जो अगला जोडियक साइन है वो है पाइसिस, बुर्ज हूत। पाइसियंस, आप लोगों के लिए भी साल के आखिरी 4 महीने इंशाल्लाह बहुत अच्छे साबित होंगे, क्योंकि इन 4 महीनों में खुशकिस्मती का जो प्लेनेट है जुपिटर, उसकी पोजीशन काफी बेहतर रहेगी, मरकरी भी अच्छी पोजीशन पर रहेगा। तो इसलिए इन 4 महीनों में आप लोगों के लिए हर काम में इंशाल्लाह कामयाबी के इम्कान ज्यादा रहेंगे। जो लोग बेरोजगार हैं उनको इन 4 महीनों में ज्यादा कोशिश करनी चाहिए, आपको कोई एक अच्छा बेहतर रोजगार मिल जाएगा। और वो तमाम पाइसियंस जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं उन्हें नई जॉब की ऑफर भी आ सकती है। और वो तमाम कारोबारी लोग जो कहीं पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कोई जमीन प्लॉट प्रॉपर्टी कुछ भी खरीदना चाहते हैं, तो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये वक्त काफी साजगार रहेगा। और वो तमाम पाइसियंस जो कारोबार कर रहे हैं और एक अरसे से अपने कारोबार को फैलाने का, अपने कारोबार को एक्सपेंड करने का, तौसी करने का सोच रहे थे, तो आप लोगों के लिए भी ये वक्त काफी बेहतर रहेगा, आप अपने कारोबार में तौसी कर सकते हैं और कारोबार ओवरऑल अच्छा रहेगा, कारोबार प्रॉफिटेबल रहेगा। और स्टूडेंट्स के लिए भी ये वक्त बहुत बेहतर रहेगा। और वो तमाम स्टूडेंट्स जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जा रहे हैं या उसका प्लान बना रहे हैं, तो आप लोगों के लिए ये वक्त बहुत अच्छा है, क्योंकि इस वक्त आप लोगों को कोई बड़ी कामयाबी भी मिल सकती है। और वो तमाम पाइसियंस जो गैर शादीशुदा हैं, रिश्ते की तलाश में हैं,
तो इन 4 महीनों में आप लोगों का कहीं ना कहीं रिश्ता या तो तय हो जाएगा या आपके पास कुछ अच्छे प्रपोजल्स आएंगे। तो नए रिश्तों के हवाले से भी ये वक्त काफ़ी बेहतर रहेगा। और जो लोग कारोबार कर रहे हैं उनके लिए अक्टूबर से लेकर साल के आखिर तक कुछ मुश्किल फैसलों का वक्त हो सकता है। आपको अपने काम कारोबार में कुछ मुश्किल फैसले करने पड़ सकते हैं, लेकिन इन मुश्किल फैसलों का आपको फ्यूचर में बहुत फायदा होगा। और वैसे भी इन 4 महीनों में आप लोग फोकस्ड रहेंगे, टारगेट ओरिएंटेड रहेंगे, आपकी सारी तवज्जो अपने टारगेट को अचीव करने पर रहेगी। और वो तमाम शादीशुदा पाइसियंस जिनके रिश्तों में एक तनाव खिंचाव का माहौल बना हुआ था, तो उनके लिए नवंबर से लेकर साल के आखिर तक कुछ पॉजिटिव चेंजेस होंगी, मुस्बत तब्दीलियां आपके रिश्तों में आएंगी। आप अपने पार्टनर के साथ, अपने शरीक की हयात के साथ लंबे सफ़र पर भी जा सकते हैं, किसी टूर ट्रिप पर भी जा सकते हैं, और ये सफ़र आप लोगों के लिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग सफ़र रहेगा, दिलचस्प सफ़र रहेगा। तो पाइसियंस, अगर हम इन 4 महीनों को देखें तो ओवरऑल आप लोगों के लिए ये वक्त बहुत बेहतर वक्त रहेगा। इन 4 महीनों में आप लोग अपनी ज़िंदगी के हर सेक्टर में पॉजिटिव तब्दीलियाँ देखेंगे, बेहतरी की तरफ आप जाएंगे। लेकिन कुछ अप्स एंड डाउन भी आएंगे और उन अप्स एंड डाउन के बारे में आपको वीकली और मंथली वीडियोस में बताते रहेंगे। खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।